कासगंज में जो मामला सामने आया है उसमें फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रखा है। यूपी के शिक्षा विभाग को हिला देने वाला अनामिका शुक्ला मामला और उसके बाद फर्जी शिक्षिका लक्ष्मी और अब फर्जी शिक्षिका चित्रा शर्मा पकड़ी गई है। हालांकि चित्रा शर्मा पकड़े जाने से ये चित्रा शर्मा इसका मामले का खुलासा हुआ है, पकड़े जाने से पहले ये फरार हो गई, लेकिन बीएसए कासगंज ने चित्रा शर्मा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। चित्रा विद्यालय हिमायूपुर में 13 साल से बीएड के फर्जी कागजात पर नौकरी कर रही थी। मामला पकड़े जाने के बाद संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। के क्रम में हमारे संज्ञान में ये आया कि जो केजीबीवी हिमायूपुर सोरो में वार्डन है चित्रा शर्मा, उनकी जो बीएड की डिग्री है वो 2004-05 की है। हमारे पास अभी एक सूची प्राप्त हुई थी हमें, जो हाईकोर्ट से प्राप्त हुई थी, और जिसमें 2823 अभ्यर्थियों की ये सूची थी जिन्हें यूनिवर्सिटी ने फेक घोषित किया है। तो उस सूची से जब हमने मिलान किया तो 760 क्रमांक पे इनका रोल नंबर, इनका नाम उसमें अंकित मिला, जिसके क्रम में इनको नोटिस जारी किया गया। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।